कुरान मजीद में अल्लाह ताला की एक आयत का मफहूम है कि हमने पिछली कौमों को उस वक्त पकड़ा जब वो अपनी मईशत पर नाजां थीं, और आज आलमी मार्केट की सूरत हाल पर निगाह दौड़ाएं तो ये आयत हरफ बहरफ पूरी होती हुई नजर आ रही है। अमरीका हो, रूस हो, चाइना हो, जर्मनी हो, सऊदी अरब हो, वो तमाम ममालिक जो कल तक अपनी इकोनॉमीज पर फख्र किया करते थे, इस वक्त घुटनों के बल गिरे हुए हैं। और जिन ममालिक की इकोनॉमी तो तेल पर डिपेंड किया करती थी, ऑयल प्राइसेस से जो पैसा कमाया करते थे, उनकी इकोनॉमी इसका तो बेड़ा गर्क ही हो चुका है। कल दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा देखने में आया कि तेल की प्राइसेस आलमी मंडी में मनफी की सतह से भी नीचे आ गई। यानी आसान अल्फाज में आपको समझाया जाए तो तेल मुफ्त से भी सस्ता हो गया। तेल पैदा करने वाले ममालिक, तेल बेचने वाली कंपनीज दुनिया के मुल्कों को ये ऑफर कर रही थी कि आप तेल मुफ्त खरीद लें, डिलीवरी चार्जेस भी हम बर्दाश्त करेंगे। तेल की ये प्राइसेस एकदम नीचे क्यों गिरी है, आलमी मंडी पर, आलमी मईशत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए इस सूरत हाल में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पैदा की है, इस पर पीपल लाइव की आज की वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कर लें कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीपल लाइव के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात का जवाब कि हुआ क्या है, आलमी मंडी में तेल की प्राइसेस दुनिया की तारीख में सबसे नीचे क्यों आ गई है, तेल इस वक्त मुफ्त से भी सस्ता क्यों बिक रहा है। तो आपको बताएं कि तेल की ट्रेडिंग हमेशा फॉरवर्ड बिडिंग में होती है, यानी तेल एक ऐसी प्रोडक्ट है जो निकलने से पहले ही बिक चुका होता है। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन है, तमाम मार्केट्स बंद हैं, दुनिया का पहिया रुका हुआ है, तो तेल की खपत दुनिया भर में जीरो के बराबर हो चुकी है। अब तेल पैदा करने वाले तमाम बड़े ममालिक के पास अप्रैल के महीने के ज़खायर मौजूद थे, और अब मई के रिजर्व्स भी आना शुरू होने जा रहे थे। मंगल आखिरी रोज था कि जब मई के ज़खीरे पहुंचना शुरू होने थे, और तेल पैदा करने वाले बड़े बड़े ममालिक के पास तो अप्रैल के ज़खायर ही खत्म नहीं हुए थे, वो तो पहले ही रेंट पर कंटेनर्स लेकर तेल रिजर्व कर रहे थे। तो सोमवार 20 अप्रैल को उनकी ये मजबूरी बन गई कि अपने ऑलरेडी जो उनके पास रिजर्व्स हैं उनको किसी तरीके से खत्म करें। आलम ये हो गया कि तेल के जहाज समंदर में घूम रहे थे, मगर दुनिया भर में कोई उनका खरीदार नहीं था। लेकिन अरबहा डॉलर्स कमाने वाली इन कंपनीज को आखिरकार अपने पुराने ज़खायर तो डंप करने ही थे, वरना नए आने वाले ज़खायर के लिए वो कहां से गुंजाइश पैदा करते। उन्हें मजीद कंटेनर्स रेंट पर लेकर मजीद खर्चा करना पड़ता था। चुनाचे आलमी मंडी में सूरत हाल आई तो इन कंपनीज को ये कहना पड़ा कि तेल मुफ्त खरीद लिया जाए, हत्ता के डिलीवरी चार्जेस भी ये कंपनीज बेयर करेंगी। दोस्तों, इस वक्त अगर देखा जाए तो तेल पानी से भी सस्ता हो चुका है। अगर मार्केट में 1.5 लीटर पानी की बोतल लेने जाएं तो वो 50 रुपए की मिलती है, जबकि आलमी मंडी में तेल -$37 पर बैरल बिक रहा है। एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है, तो आप पर लीटर तेल की कीमत का अंदाजा खुद ही लगा लीजिए। अब इस सवाल का जवाब कि जब दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स अमरीका, रूस, सऊदी अरब सर पर हाथ रखकर बैठे हैं, परेशान हैं, उनकी इकोनॉमीज तबाह बर्बाद होने लगी हैं, तो पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी ये खुशखबरी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटी पैदा की है, तो वो ये है कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में है जो आलमी मंडी से तेल खरीदता है। पाकिस्तान का तजारती खसारे की एक बड़ी वजह तेल की इम्पोर्ट का बिल ही पाकिस्तान का बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, मगर इस वक्त तेल की जो सूरत हाल है, तो इस सूरत हाल से पाकिस्तान को फायदा इस तरह होने जा रहा है कि पाकिस्तान का तजारती खसारा कम हो सकेगा, पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल कम होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपकी इकोनॉमी ही में मौजूद रहेंगे। और अगर इस मोमेंट को बरवक्त फैसले करके पाकिस्तान ने कैश करवा लिया तो इंशाल्लाह ताला हुल अजीज पाकिस्तान का शुमार उन चंद ममालिक में होगा जो इस आलमी मंदी के दौर में भी अपनी इकोनॉमी थ्राइव कराने में कामयाब हो जाएंगे। तो पाकिस्तानियों के पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बेहतरीन फैसले किए जाएं, जहां आपका तजारती खसारा ऑटोमेटिकली बिलियंस ऑफ डॉलर्स कम होने जा रहा है, तेल की इम्पोर्ट का बिल खत्म होने जा रहा है, तो इसके साथ साथ अगर बरामदात किसी तरीके से बढ़ा ली जाए तो चंद महीने के अंदर अंदर या एक साल के अंदर अंदर पाकिस्तान उस पोजीशन पर आ सकता है कि जहां उसे भीख मांगने के लिए हाथ ना फैलाने पड़े। दोस्तों, अल्लाह ताला का कुरान करीम में वादा है कि हर तंगी के साथ आसानी है, और बेशक इस वबा के बहरान में अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पैदा की है, और अगर इस वक्त पाकिस्तान ना उठ सका तो शायद पाकिस्तान के लिए उठना फ्यूचर में मुहाल हो जाएगा। अब हो सकता है कि बहुत से पाकिस्तानियों के जहन में ये सवाल उभर रहा हो कि जब आलमी मंडी में तेल मुफ्त से भी कम कीमत पर मिल रहा है तो पाकिस्तान में इस वक्त ये 90-95 रुपये लीटर क्यों बिक रहा है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान ने जो खरीद की हुई है
है वो पहले की खरीद है और वो $26 पर बैरल पर खरीद की है। पाकिस्तान के पास अभी तक वही जखायर चल रहे हैं और जब मई का जखीरा आएगा तो वो कम कीमत पर खरीद की होगी और यही वजह है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान में 25 से 30 रुपये पर लीटर तेल की प्राइसेस कम हो सकती हैं और यूं पेट्रोल की प्राइस 72 से 75 रुपये तक आ सकती है। और इकोनॉमी पर नज़र रखने वाले लोग ये जानते हैं कि जब तेल की प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं तो बाकी चीज़ों की प्राइसेस भी उसके साथ मुंसलिक होती हैं। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से इस वबाई बहरान के दौर में पाकिस्तान में महंगाई का तूफान किसी तौर पर थम सकता है। इस वक्त अगर किसी को परेशानी है तो उन इकोनॉमीज को है कि जो टोटली तेल के ऊपर डिपेंड करती हैं। इनमें अमरीका तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, रशिया तेल का प्रोड्यूसर है और सऊदी अरब तेल की पैदावार करने वाला मुल्क है। और बिलाशुबा इन तीनों बड़े ममालिक के होश इस वक्त उड़े हुए हैं क्योंकि आलमी मंडी में तेल की जो सूरत हाल है वो हौसला अफजा नहीं है। हमने आपको बताया कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि तेल के जहाज समंदरों में फिर रहे हैं और दुनिया का कोई मुल्क तेल खरीदने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि दुनिया भर में तो लॉकडाउन है, कर्फ्यू की सूरत हाल है, मईशत का पहिया चल नहीं रहा, लोगों के पास पुराने जखीरे पड़े हैं, चुनाचे तेल की पैदावार करने वाली कंपनीज अपने घुटनों पर आ चुकी हैं, इस हद तक मजबूर हो गई हैं कि तेल डंप करने के लिए वो एक खुली ऑफर करवा रही हैं कि तेल मुफ्त खरीद लें और डिलीवरी चार्जेस भी कंपनीज बियर करेंगी। हुआ दरअसल ये है कि दुनिया में तेल की खपत कम हो जाने और पैदावार बढ़ जाने के बायस दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा आलमी मंडी में तेल की कीमत मनफी सतह तक गिर चुकी है। इसका मतलब ये है कि तेल पैदा करने वाली कंपनियां मई में तेल जखीरा करने की सहूलियात और जखायर भर जाने के खतरे के पेश नज़र खरीदारों को खुद से पैसे अदा कर रही हैं। तेल साज कंपनियों को किराए पर टैंकर्स लेकर इजाफी तेल को जखीरा करना पड़ रहा है और इसी सबब अमरीकी तेल की कीमत मनफी सतह तक गिर चुकी है। अमरीका की तेल कंपनियों के मरवजा मियार वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट के मुताबिक तेल की कीमत मनफी $37 फी बैरल की कमतरीन सतह पर आ गई। सोमवार के रोज आलमी मंडी में तेल की कीमत में इंतहाई गिरावट की वजह एक तकनीकी बुनियाद भी बनी क्योंकि तेल की तजारत उसकी मुस्तकबिल की कीमत के हिसाब से की जाती है और मई तक किए गए मुआहदे को मंगल को खत्म होना था, लिहाजा तेल साज कंपनियां इन मुआहदों के तहत खरीदे गए तेल को मुतलका ममालिक के हवाले करना चाहती हैं ताकि उन्हें इसको जखीरा करने के लिए इजाफी अखराजात बर्दाश्त न करने पड़े। जबकि इसके साथ साथ अमरीकी तेल पैदा करने वाली कंपनियों के मियार WTI के तहत रवां बरस जून के लिए खरीदे जाने वाले खाम तेल की कीमत भी इंतहाई कम है और पीर के रोज आलमी मंडी में इसका कारोबार $20 फी बैरल के करीब रहा। अब दोस्तों सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि जब दुनिया भर में तेल की कीमत इंतहाई कम सतह पर गिर गई तो फिर तेल क्यों निकाला जाता रहा, दुनिया में तेल की सप्लाई रोक क्यों नहीं ली गई? तो आपको बताएं कि यही तो सऊदी अरब और रूस का इस वक्त झगड़ा चल रहा था कि रूस किसी तौर पर तेल की प्रोडक्शन को रोक नहीं रहा था। रूस को ये अपॉर्चुनिटी लगी कि दुनिया में जो अमेरिका और सऊदी अरब ने तेल के मामले पर मोनोपोली क्रिएट कर रखी है उसको किसी तरीके से तोड़ा जाए। चुनाचे धड़ाधड़ तेल की पैदावार रूस ने जारी रखी और आलमी मंडी में उसको सप्लाई करता रहा, हत्ता कि ये सूरत हाल बन गई कि दुनिया में तेल की डिमांड कम हो गई और दुनिया में तेल की सप्लाई अपनी ऊंची तरीन सतह को छूने लगी। चुनाचे जब तेल का कोई खरीदार न रहा तो तेल की प्राइसेस क्रैश कर गई। मगर ये सूरत हाल बहुत लंबे अरसे तक जारी नहीं रहेगी क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि आलमी मंडी में तेल की ट्रेडिंग फ्यूचर बेसिस पर होती है, यानी तेल की अभी पैदावार हुई भी नहीं होती तो वो तेल बिक चुका होता है। तो मई के महीने के लिए तेल $20 फी बैरल के हिसाब से बिक चुका है और जून के महीने के लिए तेल $20 फी बैरल के हिसाब से खरीदा जा चुका है। ये जो -$37 पर बैरल वाला फिनोमेना है ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा क्योंकि कंपनीज और तेल पैदा करने वाले ममालिक अपने अप्रैल के जखीरे को खत्म करना चाहते थे, इसीलिए आलमी मंडी में ये हलचल मची थी। बहुत जल्द तेल $20 पर बैरल की प्राइसेस पर वापस आ जाएगा और मुस्तकबिल करीब में इसकी प्राइसेस इतनी कम सतह तक आने का कोई चांस नहीं है क्योंकि सऊदी अरब और रशिया के दरमियान मुआहदा हो चुका है। वो $1 करोड़ पर बैरल पर डे के हिसाब से तेल की पैदावार कम करने पर इत्तफाक कर चुके हैं। चुनाचे कॉमन सेंस की बात है कि जब तेल की रसद ही कम हो जाएगी तो तेल की डिमांड भी चूंकि उसी हिसाब से होगी तो मार्केट में एक्स्ट्रा तेल ना होने के सबब तेल की प्राइसेस स्टेबल रहेंगी। मगर इस एक रात में जो अमरीका, रूस, सऊदी अरब और बड़ी ताकतों की इकोनॉमी को झटका लगा है उसके लिए बहुत से लोगों के लिए सबक पोशीदा है और जिस आयत का जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया वही आयत बार बार याद आती है कि हमने कौमों को उस वक्त पकड़ा कि जब वो अपनी मईशत पर नाजां थी। मगर याद रखिए कि अल्लाह ताला ही की कलाम की एक आयत का मफहूम है कि हो सकता है कि तुम्हें कोई चीज ना पसंद हो मगर उसमें तुम्हारे लिए बेहतरी हो और बिलाशुबा इस आलमी कसाद बाजारी के माहौल में पाकिस्तान के लिए बेहतरी ही बेहतरी का पहलू है। सिर्फ तेल की प्राइसेस गिरने ही से पाकिस्तान को कितने अरब डॉलर
की बचत होगी वो हम आप पर वाजे कर चुके हैं। चुनाचे अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ कीजिए कि पाकिस्तान के जो लीडरान हैं उन्हें बरवक्त और सही फैसला करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि पाकिस्तान इस आलमी बहरान में से ताकतवर होकर और बेहतरीन फायदे उठाकर बाहर निकले। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि पीपल लाइव की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। बहुत जल्द किसी और मालूमती सेशन में दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।